वीडियो तो आप लोगों ने बिल्कुल सही क्लिक करी, क्योंकि जो मैंने लिखा है वॉरजोन मोबाइल लाइट वो बिल्कुल सच है। आपको ये गेम मिलेगी बिल्कुल ही वॉरजोन मोबाइल की तरह, बट उसका एक लाइट वर्जन है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक, और आज उसी का गेम प्ले रिव्यू आपको मैं दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या आपको मिल जाता है जो वॉरजोन जैसा है और कहां पे ये वॉरजोन से लैग करता है और वो एक टोटली वॉरजोन का क्लोन बन जाता है, और कैसे इसको डाउनलोड करके कैसे वीपीएन के थ्रू इसके साथ खेलना है, तो वो आपको ये सारी इस वीडियो में मिलेगा। और पूरी वीडियो आखिर तक देखना ताकि आपको सारे स्टेप्स समझ आ जाए और ऑसम गेम प्ले भी आपको देखने को मिल जाए। सो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रोम पे, और आपको क्रोम पे सर्च करना है एपीके प्योर ऐप डाउनलोड। आप इसको डाउनलोड करो फटाफट एपीके प्योर ऐप को। जब आप इसको डाउनलोड करोगे, इसको इंस्टॉल कर लोगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है ये ऐप और आपको ऊपर सर्च में जाके सर्च करना है प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक, और आपको प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक मिल जाएगा फर्स्ट नंबर पे। आप सामने देखोगे तो ये आपको आ जाएगा और आपको करना है उसको इंस्टॉल, जो आप बिल्कुल अपने वाईफाई पे या नॉर्मल सिम इंटरनेट पे कर सकते हो विदाउट एनी वीपीएन। जब आपको डाउनलोड हो जाएगा आप ले जाना गेम के अंदर। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा बेस्ट वीपीएन जो है वो है क्विक वीपीएन, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यूज करना है क्विक वीपीएन। और क्विक वीपीएन पे जाके आपने सेलुलर डाटा वाईफाई ऑफ कर देना है और सेलुलर डाटा कर लेना है ऑन, और आपने क्या करना है इसको कनेक्ट करना है जापान से। जापान पे आपने क्लिक किया और इसको आपने कर दिया कनेक्ट। अब आप आ चुके हैं मेन स्क्रीन में, मेन स्क्रीन आप देखोगे काफी सिंपल है और यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स जितने को हाई दिखेंगे यानी वॉरजोन जितने, बट हाँ अंदर जो गेम की फिजिक्स है वो बिल्कुल वॉरजोन जैसी है, बाहर तो ये बिल्कुल पबजी और कॉडम का थोड़ा मिक्सचर लगता है। और इस वक्त मैं इस गेम को चला रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मेरी जो ग्राफिक्स है वो है अल्ट्रा अल्ट्रा एंड हाई डेफिनेशन, सो बिल्कुल ही मैं अल्ट्रा पे चला के आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कैसी गेम है ये। बाकी सामने आपको दिख जाए कॉम्बैट सिस्टम, लोड आउट, वेयर हाउस, रैंक मैचेस, ये सब तो नॉर्मल हर गेम में मिलता है, इसलिए आपको इस बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, तो हम सीधे चलते हैं इस वक्त हम गेम के अंदर। सो ये हम आ चुके हैं गेम के अंदर, ये है हमारा वेटिंग लॉबी, और आप देखोगे यहाँ पे भी ग्राफिक्स बिल्कुल ही आप देखोगे तो बिल्कुल ही पबजी जैसे लगेंगे, न्यू स्टेट जैसे लगेंगे, या आपको लगेंगे कॉडम जैसे, बट अगर आप इसको देखोगे रनिंग करते हुए भी स्प्रिंटिंग आपकी हो जाए गन्स के साथ बिल्कुल वॉरजोन जैसी है। उसके बाद अगर आप एम देखोगे तो भी आपको बिल्कुल जैसे वॉरजोन जैसा फील आएगा, और उसके बाद जो क्राउचिंग है, जंपिंग है, तो ये सारा ही आपको दिखेगा वॉरजोन जैसा। और आपको कॉर्डन जैसे यहाँ दिख जाएंगी स्किल्स, तो ये एक स्किल मैं यूज करता हूँ, ये स्किल जो मैंने यूज करी है ये आपको डिप्लॉय करेगा और एक रॉकेट छोड़ेगा एनिमीज के ऊपर, सो ये आपको मैं आगे करके दिखाऊंगा। सो ये हमारा जो प्लेन वाला एरिया आ गया, नीचे बिल्कुल ही पबजी जैसा है, जो प्लेन भी है ये पबजी जैसा है, काफी कॉपी करने की कोशिश करी है वॉरजोन के लिए बट ये बिल्कुल पबजी जैसा हो गया। और मैं कहीं पर लैंड करता हूँ, सो ये हमारा इतना बड़ा मैप है, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। सो मैं कहीं भी उतर जाता था कि आप लोगों में दिखाऊं कैसा इसके अंदर है गेम की फिजिक्स। तो हम उतर जाते हैं, देखो ये भी बिल्कुल वॉरजोन के ही तरह है कि आपको दोनों हैंड्स दिख रहे हैं, और उतरते वक्त जो साइड का ब्लरी इफेक्ट आ रहा है जो आपको सारा दिख रहा है स्क्रीन पूरा, ये सारा ही सारा उसको करा गया है वॉरजोन से कॉपी। और यहाँ पे हम लैंड कर जाते हैं एनिमी के साथ ही, तो ये एनिमी लगता है मेरे साथ ही उतर, और आपको वॉरजोन की तरह यहाँ पे एक मिल जाएगा गन हाथ में। सो आप जब लैंड करोगे सो आपके पास एक पिस्टल जरूर होगी, जैसे कि वॉरजोन में आपको देखने को मिलती है। सो ये है वो पिस्टल, और चलते हैं। तो आपको मैं दिखाया था ग्राफिक्स, स्काई काफी अच्छा है, जो चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं वो भी काफी अच्छी हैं, और गेम प्ले पूरा स्मूथ है, कोई भी लैग्स नहीं है, कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, हाईएस्ट ग्राफिक्स है उसके बावजूद भी। और ये हैं सारे बॉक्सेस, जैसे आप इसके पास जाओगे ये हो जाएगा ओपन, और यहाँ पर एक मिल चुकी है गन, यहाँ पे एक एनिमी भी है, उसमें ये एनिमी दिखा है, इसको मैं जरा शूट करता हूँ। ये हो चुका है एनिमी डाउन, देखिए एनिमी के पास जाके ये हो गया, एनिमी हमने फर्स्ट किल कर लिया है। और यहाँ पे इसका ये हो जाएगा हमारा लूट बॉक्स, इसके अंदर से आप चीजें ले सकते हो। बाकी आपको मैं दिखाया था, अगर आप नीचे ग्राउंड देखो तो इतना कोई ज्यादा अच्छा इसमें ग्राफिक क्वालिटी है नहीं, शेडो क्वालिटी काफी अच्छी है, आप देखोगे रियल टाइम शेडो क्वालिटी है, सो ये काफी अच्छा मुझे लगा। ये इसके सारे मॉडल्स है, ट्रक्स और बिल्डिंग एंड ट्रीज भी काफी अच्छे हैं, बट जिस तरीके का जैसे वॉरजोन है उसको कॉपी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सो अगर हम इसको कहते हैं कि एक वॉरजोन की क्लोन कॉपी है तो वो बिल्कुल सही है। और आगे चलते हैं और एक दो एनिमीज को मारते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे जैसे ये रॉकेट लॉन्च मिले, यहाँ पे आपको मिलेगा कैश। अगर आप देखोगे पीछे आपको एक गोल्ड बार से मिले थे, वो है इस गेम के अंदर कैश, जैसे बाकी गेम्स में कैश होता है यहाँ आपको मिलेगा गोल्ड बार्स, जिसके एक्सचेंज में आप बाय स्टेशन से चीजें खरीद सकते हो। तो आपको बाय स्टेशन भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे है एक बाय स्टेशन,
सामने है ये बाय स्टेशन और यहाँ से आप ले सकते हो कुछ भी सामान आपको चाहिए। यहाँ मैंने करा इसको ओपन, तो आपके पास है क्रैक 6 और ओरिजिन 12 AK-47। आप इसको ले सकते हो जिस तरीके आप पैसे होंगे, आपने इसको बाय किया। मेरे पास 5,000 रुपये, मैंने इसको ले लिया है 1,000 रुपये का। तो ये मेरे पास आ गई है एक AK-47 और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी आई एम साइट और शूटिंग। और ये है इसका रीलोड। रीलोड के लिए भी मेरे पास ज़्यादा इसके अंदर वो है नहीं एमओ, तो इसके लिए वो रीलोड वहाँ पे हो नहीं रहा है। और आगे आप देखोगे जी यहाँ पे टेरेन है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और डिस्टेंसिंग भी काफ़ी अच्छी इसकी दिखाई हुई है। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जो मैंने एक पावर आप लोगों को बताया था जो टरेंट साइज, इसके अंदर से मिसाइल्स निकलती हैं। तो यहाँ पे कोई एनिमी नहीं है मेरे को अभी तो दिख रहा है, क्योंकि अभी तो ये स्मॉल स्टेज पे, तो इसलिए ज़्यादा रियल प्लेयर्स आपको इसमें दिखेंगे नहीं। पर जो रियल प्लेयर्स होंगे वो सच्ची में अच्छे खेलने वाले रियल प्लेयर्स ही हैं, पर बॉट्स भी काफ़ी हैं गेम के अंदर। सो ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको आप कर सकते हो इस तरीके से, जहाँ से भी आपको दिखेगा एनिमी आ रहा है। देखो वहाँ पे एक एनिमी है, तो इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर दिया इसको डिप्लॉय। और देखो यहाँ से आप देखोगे, ये देखो यहाँ से ये एनिमी के ऊपर रॉकेट सेंड कर रहा है, तो मैं इसको एनिमी को मार देता हूँ। और यहाँ पे देखो मेरे को हेल्प मिली क्योंकि वहाँ से रॉकेट्स एनिमी को मार रहा था, तो एनिमी वैसे ही बहुत ज्यादा वाउंडेड था और मेरे उससे बहुत जल्दी वो दोबारा किल हो गया। एक और एनिमी यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, देखो एक और को वो मार रहा है और ये आ गया, मैं एनिमी को मार देता हूँ। तो गेम की फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग है और खेलने में काफी मजा आता है। और यहाँ ये एक प्लस पॉइंट इसके अंदर है कि आपको इसके अंदर वेदर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे अभी अचानक से देखोगे आप, तो यहाँ पे रेनी सीजन, रेनी वेदर जो है स्टार्ट हो चुका है और थंडरस्टॉर्म भी है, लाइटिंग भी है और काफी अच्छा मेरे को देखने में लगता है क्योंकि मेरे फेवरेट है रेनी सीजन, और उसके अंदर गेम के अंदर मिल जाए तो काफी अच्छा लगता है। और वाटर की क्वालिटी भी अच्छी है जिस तरीके से दिखाया है वाटर में। वॉर्जोन वाइज जैसे और भी गेम्स ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए। यहाँ पे तो मुझे मार रहा था, मैं दोबारा से ये रख देता हूँ और अब ये मेरी हेल्प करेगा उसको मारने का अगर वो मेरी तरफ आएगा तो, और मैं उसको इस साइड से मारने की कोशिश करता हूँ। बहुत सही, एक और बंदा आ रहा है, आई गेस मैंने यहाँ किसी को देखा है। ये काफी अच्छा था, आई गेस मुझे और भी कोई शूट कर रहा है। यस यहाँ से कोई मुझे शूट कर रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। यस यस वन शॉट है, वन शॉट। यस यस हो गया हो गया। तो काफी इंटरेक्टिव गेम है, आपको सही में मजा आ जाएगा खेलने में। और आई गेस ये एनिमी रिस्पॉन हुआ है फटाफट से। अरे ये तो मेरा टीममेट है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपने टीममेट को मार रहा था। ग्रेनेड फेंकते हैं, ग्रेनेड यहाँ पे बंदा है। बट इस गेम में एक फायदा यह है कि लास्ट तक आप रिस्पॉन हो सकते हो, लास्ट सर्कल तक भी आपको एक चांस मिलेगा रिस्पॉन होने का अगर आपको कोई और दूसरा टीममेट अलाइव है तो। सो जिस तरीके से आप देखोगे ऊपर लिखा है 46 सेकंड्स, 45 सेकंड्स, ये अलग अलग टाइम स्टैम्प आते हैं, जरूरी नहीं है कोई हो। अगर मैं अभी इसके बाद दोबारा किल हो जाऊं, हो सकता है मेरे को 120 सेकंड्स का एक टाइम स्टैम्प मिल जाए। सो कुछ भी हो सकता है, बट ये काफी मुझे अच्छी चीज लगी कि आप आखिरी तक रिस्पॉन हो सकते हो और अपने को जितवा सकते हो पूरी टीम को। सो ये मैं रिस्पॉन हो गया, आप देखोगे रिस्पॉन हो चुके हैं, मैं और मेरा टीममेट दोनों नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो आप दिख रहा होगा कि हमारे टीममेट डेड हो गए हैं। सो मैं दूसरे किसी एरिया में जाऊंगा, ओपन करता हूँ पैराशूट ताकि थोड़ा आगे जा सकूं। और आप देखोगे क्योंकि रेनी सीजन है तो नीचे आपको क्लैरिटी भी चीजों की नहीं दिखेगी, तो ये काफी अच्छी जो बारीक चीज उन्होंने यहाँ पे दिखाई है वो मुझे पसंद आई। बट हाँ वही है कि ये गेम वॉरजोन की तरह ज्यादा लग रहा है, इसलिए इस गेम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ये वॉरजोन की एक कॉपी है। सो वो जो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे उन्होंने प्रिटेंड करा है अपनी गेम को। और यहाँ पे मैं फिर बाय स्टेशन पे आ जाता हूँ और अपनी एक AK-47 या M4
ए वन ले लेता हूँ एक मिड रेंज के लिए 1000 में, और मिड रेंज वाले आप गन देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा एक स्कोप जो काफी क्लियर है, स्कोप्स और जो इसके अंदर दे रखी वो काफी मुझे क्लियर लगी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि अगर क्लियर स्कोप्स होती तो गेम खेलने में और ज्यादा मजा आ जाता है। मैं यहाँ पे इसको सेटअप करता हूँ ताकि एनिमी को ये मारे, और मैं साइड होता हूँ, उसने एनिमी को मारा और मैं यहाँ से एनिमी को सेव कर लेता हूँ। तो ये बहुत इंटरेक्टिव गेम है, बहुत मजा आता है खेलने में, और मैं यही कहूंगा कि जब तक वॉरजोन सबके लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है और वॉरजोन हर कोई खेल नहीं पा रहा है तब तक आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो, लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा इस गेम को खेलने में, और ये पूरी तरीके से वॉरजोन है, बस उसका एक क्लोन और लाइट वर्जन है। बहुत मजा आएगा इस गेम को खेलने में, आप लोगों को जरूर डाउनलोड करना, जापान से आप वीपीएन कनेक्ट करना और कोई कनेक्ट मत करना क्योंकि बहुत लैग्स मिलेंगे, बट ये गेम खेलने के बाद आपको बहुत मजा आ जाएगा, मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे, सो कमेंट्स में आके थैंक यू जरूर बोल देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, काफी वीडियोस आती रहेंगी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।